सरकार जो है इन सब चीजों को पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित करे और ये जो है भारत का एक धरोहर क्षेत्र के रूप में साबित हो सके। बस यही हमारा कामना है कि जल्द से जल्द सरकार को भी इन सारे चीजों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, चाहे खाना पीना रहना और यहाँ पर साफ सुथरा को लेकर मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं गोटाशिला के एक झरने में, जो कि ये स्थान जो है गोटाशिला मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और ये प्रखंड चाकुलिया में पड़ती है, लेकिन धर्मुंगढ़ से ये सामने पड़ती है क्योंकि रोड बहुत अच्छी है, आप आ सकते हैं और ये हमारे ग्रामीण जगह का जो सुंदरीकरण है वो देख सकते हैं, प्राकृतिक का लुभ उठा सकते हैं। आजकल ये सब जगहों को सरकार द्वारा चिन्हित करना है, पर्यटन स्थल में विकसित करना है ताकि गांव के लोगों का विकास हो सके, कुछ रोजगार पैदा हो सके, दूर दूर से लोग आए हमारे इतने प्राकृतिक सुंदरीकरण जगह झारखंड का जो है, इतना ब्यूटीफुल जगह आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा में पूरा जगह को एक बार रोटेबल करके दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे झारखंड में कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं वाटरफॉल जो है, झरना जो है, ये बरसात के मौसम में काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में ही ये पानी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भरती है। इसमें लोग आते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर सारा चीज़ पत्थर से थोड़ा सा स्लिप कर जाने से लगने का भी खतरा होता है, इंजर्ड होने का डर रहता है। सूर्या जी बताइए, जगह कैसा लगा आपको आके? सभी को नमस्ते। आज हम लोग आए हैं हुए हैं गोटाशिला के घाघरा झरने में, जो कि काफ़ी प्रचलित ये जगह है। यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और इस झरने का आनंद लेते हैं और देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस झरने का आनंद ले रहे हैं। अभी हमारे दोस्त मंगल जी हैं, जो कि इनका खुद का चैनल है। मंगल जी तो सबसे सवाल पूछते हैं, आज मुझे मौका मिला उनसे सवाल पूछे। तो मंगल जी बताइए, ये घाघरा जो जगह है, ये इसका जो जलप्रपात जब देख रहे हैं, इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल सा नेचुरल, तो किसके इसके बारे में दो चार शब्द बताइए। तो आपने जो बोला कि यहाँ के बारे में दो चार शब्द बताए, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिन साथी भी अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, आप यदि मान लिया इस झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रहते हैं तो ज्यादा दूर नहीं है, जमशेदपुर से लगभग आपको 75-80 किलोमीटर के आसपास आपको भरागुड़ा रोड में आप जब जाएंगे तो दलबुंगड़ करके एक जगह है, वहां से आप जस्ट वहां क्रॉस एयरपोर्ट जो है, मतलब कि एरोड्रम जो है, उससे यदि आप निकलेंगे तो लगभग आपका 10 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब उत्तर दिशा में। तो ये है आपके लिए न्योता है, मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे चाकुलिया से हो तो चाकुलिया से भी आप आ सकते हैं, बारागुड़ा से तो बारागुड़ा से भी आ सकते हैं, झारखंड उड़ीसा फिर आपका बिहार, फिर आप झारखंड के भारत के किसी भी कोने से हो तो आप यहाँ पर एक बार घाघरा वाटरफॉल आप देखने के लिए आए और बस इंजॉय कीजिए। देख रहे हैं कि यहाँ पर साथीगण, यहाँ पर व्यू सब अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, फोटोशूट के लिए, मूवी वीडियो ये सब के लिए मोस्ट, मतलब अच्छा जगह है, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। जी आप ये नहीं बताए सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहेगा इसको जगह को और अच्छा करने में? मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार की तरफ से ज्यादा जरूरी है नहीं, चूंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें पर आप जरूरत से ज्यादा चीजों को करेंगे तो वहां पर खराब हो सकता है। तो मैं यही चाहूंगा कि यहाँ पर एक टीम बनाया जाए और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए एक व्यवस्था, चाहे खाना पीना रहना और यहाँ पर साफ सुथरा को लेकर मैनेजमेंट की जरूरत है। और यहाँ पर जो है ना एक दो फोटोग्राफर लोगों को भी रहना चाहिए ताकि उन लोग जो भी आएंगे उनका एक यहाँ का फोटोशूट जो उनके लिए एक याददाश्त के रूप में साबित होंगे, एक मतलब यादें रहेंगे किस डेट को आए थे और यहाँ पर कैसे इंजॉय किए। बस यही चीजें हम चाहेंगे, सरकार जो है इन सब चीजों को पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित करे और ये जो है भारत का एक धरोहर क्षेत्र के रूप में साबित हो सके। बस यही हमारा कामना है कि जल्द से जल्द सरकार को भी इन सारे चीजों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। धन्यवाद मंगल जी, आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। और दोस्तों ये जो बात जो कहे हैं मंगल जी ने और हम लोग देख रहे हैं, ये वीडियो मतलब सरकार तक जानी चाहिए और इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि हम लोग सपोर्ट करें,
और इसी तरह से नए नए जगह जो है ग्रामीण जगह जहाँ पर लोगों तक पहुँच नहीं बनाई, हम लोग उस जगह को पहुँचे और लोगों को पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिले, स्थानीय लोग विकास करें, यही हम लोगों का लक्ष्य है। क्या मंगल जी? बिल्कुल।